अप्रैल की शुरुआत से पहले ही विदर्भ के सभी जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। न केवल विदर्भ में बल्कि पूरे राज्य में तापमान में वृद्धि हुई है। नागपुर और विदर्भ में सूरज चमकने लगा है, जिससे मुख्य सड़कों पर भी भीड़भाड़ कम हो गई है। तापमान में वृद्धि के कारण नागरिकों को गर्मी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में विदर्भ में तापमान में और वृद्धि होगी। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में लू के थपेड़ों ने विदर्भ में लू की स्थिति पैदा कर दी है। सिर्फ नागपुर और विदर्भ में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में तापमान में इजाफा होता दिख रहा है। विदर्भ के सभी जिलों में पारा 40 डिग्री पहुंच गया है। क्षेत्रीय मौसम विभाग के निदेशक मोहनलाल साहू ने कहा कि राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण विदर्भ में तापमान में अचानक वृद्धि हुई है। अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति रहने की संभावना है। विदर्भ में सूरज चमकने लगा है। विदर्भ के सभी शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अप्रैल की शुरुआत में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने का अनुमान जताया है। इस साल मार्च में पारा 40 डिग्री के पार चले जाने से अब साफ है कि अप्रैल में लू तेज होगी। हम देखें तो मॉडल्स जो है वो टेम्परेचर का जो है वेस्ट विदर्भा से धीरे धीरे ईस्ट विदर्भा की तरफ बढ़ने का जो है वो इंडिकेशन दे रहा है। तो ये टेम्परेचर जो है ये अभी जो 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ के 42 क्रॉस कर जाएगा। 42 से 45 के बीच में रहने की संभावना है। तो ज़्यादातर संभावना है कि 43-44 के आसपास में टेम्परेचर 3-4 दिन के बाद में हो सकता है। हीट वेव के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला तो ये है कि अधिकतम तापमान जो है वो 40 डिग्री या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा उसका जो सामान्य तापमान होता है उस जगह का उससे वो 5 डिग्री या उससे ज़्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर अभी लगातार बढ़ेगा तो अभी अगले 4-5 दिन तक तो कोई राहत नहीं है, लेकिन उसके बाद में विंड डिसकंटिन्यूटी बनने की संभावना है। बाद में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी अच्छी गर्मी पड़ने की संभावना है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।